एवेंजर्स से लेकर शक्तिमान सभी को ही सुपर हीरो कहा जाता है। सुपर हीरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे कोई शक्ति होते हैं जो आप और हम यानी आम आदमी के पास नहीं रहता है। और अगर ऐसा कोई शक्ति आम आदमी के पास हो ही जाए तो इसे क्या कहा जाता है? सुपर ह्यूमन। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन के बारे में जिनके पास ऐसे शक्ति है जो सुन के आप चौंक जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ रहस्य लाइफ में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं हैरोल्ड विलियम्स। आप और हम कितने भाषा बोल सकते हैं नॉर्मली? 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 10। और हैरोल्ड जी कितना बोल लेते आपको पता है? सिर्फ 58 लैंग्वेज ये बोल लेते हैं पूरे दुनिया भर में। और यही एक बंदा है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अलौकिक शक्ति के बारे में। तिब्बतन मॉन्क्स के बारे में बात करते हैं। इनके पास कुछ ऐसे शक्ति है जो नॉर्मल आदमी के पास रहना नामुमकिन से है। ये लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तिब्बत में स्थित जो मंक है उनमें गर्थ मॉन्क ये लोग ये कह सकते हैं अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं। इसलिए सर्दियों में भी इनके पास अगर पहनने के लिए ज्यादा वस्त्र नहीं रहता है तो इन लोग के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तब ये लोग अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि सर्दियों में भी इन लोगों को गर्मी लगता है ना, कमाल की बात। आप बात करते हैं माँ जियांगसंग के बारे में। जियांगसंग चाइना के रहने वाले हैं। और इनके पास जो शक्ति है वो आपको क्या बताए? इन्हें इलेक्ट्रिक मैन कहा जाता है। क्यों शायद आप समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक के वायर में इलेक्ट्रिक रहते हुए ये अगर हाथ डाल देता है तो इसे कुछ महसूस ही नहीं होता है। जी हाँ, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक का कोई असर ही नहीं होता है। कैसे हुआ ये? और ये टैलेंट इनके पास इनबॉर्न था, लेकिन पता कैसे चला? जब ये छोटा था तब टीवी देखते देखते इनका टीवी बंद पड़ गया था। इन्होंने जब देखा टीवी का तार टूट गया है तब वो खुद हाथों से उनको लगाना चाहा और उसको कोई इलेक्ट्रिक का फील ही नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक ये बहुत सारे शोज करते हैं और इनको देखने के लिए बहुत दूर दराज गांव से शहर से लोग आते हैं। इनको देखने के लिए टिकट भी लगता है। तो चलिए कोई मुझे भी एक टिकट दे दो, मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो इसका नाम है ही। अभी पूरे दुनिया के बात कर रहे थे, अभी चले आते इंडिया पर। अब क्या सोचते हैं, इंडिया में टैलेंट की कमी है? इंडिया में सुपर ह्यूमंस की कमी है? नहीं, शकुंतला देवी, इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। और ये आज से नहीं, इनको पहले 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये बड़े से बड़ा कैलकुलेशन या छोटे से छोटा कैलकुलेशन यही चुटकी में कर देता है। कोई भी फॉर्मूला से जबानी ये सॉल्व कर देता है कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये एबकस से नहीं करते हैं, ये दूसरे कोई चीज से करते हैं जो इनके दिमाग में है, जो कि हमारे और आपके पास नहीं है। अब गजब वाले एक बंदे की बात करते हैं जिसका नाम है स्टीफन विल्टशायर। इनका मेमोरी भी बहुत कमाल का है। कैसा है इनका मेमोरी? आज आपको देख लिया 50 साल बाद वो आपको नहीं भूलेगा। ये तो बहुत सारे लोग आता है ना, आपको ऐसा ही लगता है, लेकिन नहीं जी, आपको जिस जगह पे दिखेगा उस जगह के हर एक चीज उनके दिमाग में फिट होके बैठा रहेगा। आपको 10 साल बाद अगर बोला जाए उस वक्त जो जो चीज आसपास था और जिसके साथ तुमने मुलाकात किए थे एक तस्वीर बनाओ, वो हूबहू एक तस्वीर बना देता है। और इनका टेस्ट भी लिया गया था, एक जगह पर उन्हें 2 मिनट के लिए खड़ा कर दिया गया था और उसी जगह पर जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों ने 3-4 पिक्चर खींचे थे। 1 साल बाद उसे कहा गया था भाई अब वो पिक्चर बनाओ, तो वो बना दिया और हूबहू बना दिया, क्योंकि जो पिक्चर उन्होंने बनाया था और जो पिक्चर खींचा गया था दोनों में 98% का मेल था। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों आपको क्या ऐसे जानकारी और भी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा ऐसे जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए।